जिला जेल बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण के संबंध में गठित समिति की बैठक एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जेल बाईपास के चौड़ीकरण में आने वाले सभी काश्तकारों को निर्धारित मानकों के अनुरूप मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन भूमि की खतौनी में दर्ज व्यक्ति को ही मुआवजा दिया जाएगा। किसी भी काश्तकार के साथ नाइंसाफी प्रशासन द्वारा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी से संपर्क करके काश्तकार अपनी बात रख सकते हैं। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और काश्तकार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, लेकिन आज खतौनी में सारे लोगों का नाम नहीं नहीं तो उसमें अंश बराबर नहीं हुआ ना, तो बराबर अंश तो हम बता देते हैं। आप बता देते हैं ना कि वही जिसका जितना अंश होगा उतना ही मिलेगा। हमारा पूछने के लिए हाँ बस ऑन रिकॉर्ड रहेगा आपको ऐसा भी होता है कि एक खतौनी में 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन है, आपने किसी को 200 मीटर जमीन भेज दी तो नाम तो बराबर से लिखा रहेगा, लेकिन लेखपाल आपसे बात करके अंश डिक्लेयर करा देते कि उनका 1800 है। जो दक्षिण तरफ जो काश्तकार है उनको अभी तक सिर्फ चिन्हित कर दिया गया है, लेकिन इसमें कोई इसका इंदराज नहीं है, तो हम लोगों की जमीन जो अधिग्रहण की जा रही है उसका कैसे मुआवजा हम लोग उसमें, जिसकी जमीन ली जा रही है उसकी खतौनी में जिसका नाम होगा उसको पैसा मिलेगा। जब ये लेंगे तो आपसे रजिस्ट्री कराएंगे बकायदे, मतलब वो उनके नाम जाएगा उसका पैसा। और किसी कारणवश से इनका मिला नहीं था तो उस स्थिति में क्या होगी जिन लोगों का नहीं मिला। अब वो मुद्दा दोस्त अलग है, ऐसे बैठक भी नहीं कर रहे हैं के जाने उसमें हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इनके SLO ऑफिस में एक आशीष पांडे है, SLO ऑफिस में एक आशीष पांडे जी हैं, वो अधिग्रहण के जानकार हैं, आपको बता सकेंगे कि क्या मसला है। अगर उसी का 100 मीटर का टुकड़ा है, 80 मीटर चला जा रहा है, 20 मीटर बच रहा है, आप चाहते हैं पूरा 80 ले लिया जाए, 100 ले लिया जाए, जी एक बैठक हुई थी जेल बाईपास, एक लगभग 460 मीटर लंबाई और 200 मीटर लंबाई में, एक 460 मीटर में नई सड़क बन रही है और 300 मीटर में सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, तो उन्हीं के किसानों के साथ आज वार्ता थी। किसान भूमि देने के लिए तैयार हैं, उनको दरें जाननी थी कि हम किस दर पर वो ले रहे हैं, तो दरें अभी हम उनको नहीं बता पाए हैं, हम अपनी होमवर्क कर लें और इसके बाद हम उनको दरें बता देंगे और वहाँ एक नई सड़क निकल जाएगी।